हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एक टिकट में, नॉर्मल टिकट जो होता है, जनरल टिकट, उसमें एक बार में 6 लोगों का रिजर्वेशन होता है, और तत्काल टिकट में एक बार में 4 लोगों का रिजर्वेशन होता है। तो आज की इस वीडियो में यूँ बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपका एक पिनन में जो 6 लोगों का जो टिकट होता है, बाय द वे किसी एक या दो का टिकट अगर आपको कैंसिल करना होगा तो आप किस प्रकार से करिएगा, आज की इस वीडियो में आप लोगों को लाइव वही कैंसिल करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा IRCTC का अकाउंट लॉगिन हो चुका है। इसके बाद होम पेज में सबसे ऊपर में ट्रेन का ऑप्शन दिख रहा है, उसी में आप क्लिक करके कैंसिल टिकट्स का जो ऑप्शन देख रहे हैं, एकदम कैंसिल टिकट पर प्रेस करके आप देखिएगा काउंटर टिकट और ई टिकट शो होगा, ठीक है। तो आप अगर ई टिकट्स बुकिंग किए तो ई टिकट्स पर क्लिक कर देंगे। ई टिकट्स पर क्लिक करते ही आप जो रिजर्वेशन किए हैं वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि सबसे इन कॉर्नर में मेरा विभूति एक्सप्रेस शो हो रहा है, 1234, यही ट्रेन में रिजर्वेशन है। इसी में इसमें 4 लोगों का बुकिंग हुआ है, जिसमें किसी एक का टिकट कैंसिल करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये ओपन कर रहा हूँ, ओपन करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें 2 एडल्ट और 2 चाइल्ड है, ठीक है। तो ये एक किसी एक चाइल्ड का मैं टिकट कैंसिल करके दिखाऊंगा। ये 3rd AC का टिकट बुकिंग है, ठीक है, ऊपर में देखिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक बार आप लोगों को कैंसिल करके दिखाते हैं। ये देख लीजिए, 2 चाइल्ड और 3rd AC का टिकट शो हो रहा है। इसके बाद सबसे नीचे में आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। नीचे में जो कि 2 नंबर पर कैंसिल टिकट का ऑप्शन है, उस पर मैं क्लिक करके ओके कर दिया हूँ। ओके करने के बाद देख पा रहे हैं कि आपका टोटल पैसेंजर्स का नाम आ चुका है। इसके बाद आपको ऑप्शन दिया है आप चूज़ करने के लिए कि जिस भी पैसेंजर्स का आप टिकट कैंसिल करना चाहते हैं आप उसको चूज़ कर लीजिए। आप जिसको भी कैंसिल करना चाहते हैं सेम इसी तरह से आप भी चूज़ करके आप कैंसिल टिकट्स, देखिए कॉर्नर में लिखा हुआ है, चूज़ कर लेने के बाद आप कैंसिल बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। प्रेस करते ही आपका टिकट कैंसिल डायरेक्ट नहीं होगा, इसके बाद आपको एक मैसेज शो होगा, जैसे कि देख पा रहे हैं आप, एक मैसेज शो हो रहा है, डू यू वांट टू प्रोसेस द कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, यस। तो आप ओके कर दीजिए, आप ओके कर दीजिएगा तो आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल करेगा तो आपका टिकट कैंसिल नहीं होगा। तो मैं ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारा टिकट एकदम कैंसिल हो चुका है। 4 में से 1 पैसेंजर का टिकट कैंसिल हो गया है। बुकिंग अमाउंट देख रहे हैं 965 था, और कैंसिलेशन चार्जेस 65 रुपये शो हो रहा है। ये वेटिंग लिस्ट टिकट था, PQWL वेटिंग लिस्ट टिकट था, इसीलिए 65 रुपये चार्ज कटा। इसके बाद रिफंडेड अमाउंट आप देख रहे हैं, रिफंड अमाउंट मेरे को 900 रुपये रिफंड किया जा रहा है। सेम इसी तरह से आप भी अपना टिकट, जैसे आप भी कुछ लोगों का अगर बुकिंग किए हैं या कैंसिल करना चाहते हैं, सेम इसी तरह से आप भी अपना टिकट इजीली कैंसिल कर सकते हैं। सो आई होप कि आप सभी को हमारा यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।